हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रंजन पात्र। मेरे पास आज है यहाँ पर देखिए मोटो की हैंडसेट है, तो उसका जो मॉडल नंबर है देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पर देखिए तो ये बार G345 जो इसके मॉडल नंबर है। तो दोस्तों मैं आपको बताना ये चाहती हूँ कि तो आपकी ये फ़ोन जो है तो आपकी लैंग्वेज चेंज होने के बाद तो किसी भी कारण आपकी यहाँ पर जो आपकी जो फ़ोन की लैंग्वेज बहुत चेंज होने के बाद तो कैसे आपको यहाँ पर उसको फिर से। तो दोस्तों देखिए तो आपको कैसे आपको तो इंग्लिश लैंग्वेज पे आपको आपको कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए तो पहले आपको जाना है सेटिंग। तो यहाँ पर सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। तो सेटिंग पे क्लिक करने के बाद तो आपके सामने इस तरह कुछ ऑप्शन आ जाएगा। अगर यहाँ पर आपको सेटिंग पता नहीं है तो आपको ऊपर से नीचे स्क्रॉलिंग करना है और ये यहाँ पर देखिए आपको सेटिंग का लोगो है तो सेटिंग पे आपको क्लिक कर देना है। तो सेटिंग पे क्लिक कर देना, आपको यहाँ पर नीचे आना है। तो दोस्तों और मैं दोस्तों ध्यान रखिए ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है ये ऑलरेडी कन्वर्ट हो जा तो हो गया होता। तो उसके बाद आपको साइड पे जो लोगो दिख रहा है ये लोगो कभी चेंज नहीं होता। आपकी कौन सा कंट्री का कौन सा लैंग्वेज आप यूज़ कीजिए लेकिन ये लोगो कभी चेंज नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो आप इस लोगो को थोड़ा ध्यान रखिए कौन सा लोगो मैंने क्लिक करा हूँ। तो आपको नीचे आना है। तो नीचे आने का यहाँ पर दोस्तों एक आई का लोगो है उसको हम सिस्टम बोलते हैं। तो सिस्टम का आपको यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो सिस्टम पर क्लिक करने का तो इस तरह देखिए एक चाइना एक इंग्लिश लैंग्वेज आ रहा है। तो आपको सिंपल से क्या करना है इस लैंग्वेज पर क्लिक कर देना है। तो लैंग्वेज पर क्लिक करने का यहाँ पर देखिए सिस्टम लैंग्वेज तो आप उसको भी क्लिक कर दीजिए। तो उसके बाद आपको क्या करना है सिंपल सी दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको आर लैंग्वेज, तो आर लैंग्वेज पर आपको क्लिक करना है। तो आपको नीचे आना है। जैसे मैंने हिंदी तो हिंदी को मैंने सिलेक्ट किया। तो सिलेक्ट करने के बाद भी यहाँ पर देखिए आपकी लैंग्वेज चेंज नहीं हुआ क्योंकि जो हिंदी का जो लैंग्वेज ये मेरा दूसरा ऑप्शन का है। तो पहला वाला ऑप्शन पे जो लैंग्वेज होगा वो ही आपके फ़ोन के लैंग्वेज होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए मैंने उस पर क्लिक किया और ऊपर लाया। तो देखिए यहाँ पर देखिए भाषा चेंज का ऑप्शन आ चुका है। उसके बाद चेंज तो ये देखिए आपकी हिंदी भाषा चेंज हो गया। तो इस तरह आप उसको सेटिंग करेंगे। तो लेकिन मेरे को चाहिए इंग्लिश तो यहाँ पर मैंने क्लिक करके मैंने लेता हूँ तो इंग्लिश तो बदले। तो यहाँ पर देखिए आपके इंग्लिश आ गया। तो इस तरह आप चेंज कर दीजिए। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अच्छा लाइक जैसा जरूर कीजिए।